जय माँ दशहरे के दिनों में हम लोग दिव्य जननी डिवाइन मदर के जन्म की कथा उनकी गाथा के कुछ अंश पढ़ रहे हैं सावित्री में जैसे दी गई है सावित्री यज्ञ के सीक्वेंस में पिछली बार हम लोगों ने शेरविंद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोगों को सावित्री से और उन्होंने ये बताया कि सावित्री भी उन्हीं के बीच में प्रकट होती हैं पैदा होती हैं लेकिन अंतर क्या होता है एक साधारण व्यक्ति में और जो दिव्य दिव्य प्रयोजन से संसार में जन्म लेते हैं अभी तक हमको अवतार की बात नहीं कही गई है लेकिन दिव्य प्रयोजन जो उसी बेसलाइन से प्रारंभ करके एक किधर चला जाता है एक किधर चला जाता है इन द पासिंग इसमें कहानी बार बार अर्जुन और कर्ण की भी कहानी है दोनों ही देखा जाए तो बड़े डिप्राइव ढंग से पैदा हुए बल्कि पांडव तो और भी अधिक डिप्राइव्ड हुए जंगलों में पैदा हुए कुछ भी लेकिन अर्ज अंतर क्या होता है एक अर्जुन बनता है एक कर्ण बनता है एक हमेशा वही राज्य के पीछे भाग रहा है कि मुझे मिल जाए मेरा नाम हो जाए मुझे फेम मिल जाए और अर्जुन के लिए वो प्रयोजन है ही नहीं जीवन का लक्ष्य तो ये अंतर है उनमें जो एक विशेष प्रयोजन से संसार में आते हैं और वो बाहर से नहीं दिखाई देता है वो अंदर की एक अवस्था है जिसके द्वारा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो <coughs> अब आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने टच किया था कि जब कोई भी दिव्य सत्ता डिवाइन बीइंग जब मानव देह में आता है तो ये एक बहुत ही कठिन बात होती है कल भी हम लोग प्रार्थना और ध्यान में ही रहे थे एडेप्ट करना इस संसार में आना मतलब यहाँ के मिथ्यात्व अज्ञान अचित इसको ओढ़ना तो आप कितना ही भी प्रयास करें वो आपको कहीं ना कहीं चिपकता है कहीं ना कहीं वो आपको अंधेरे में डालता है फिर आप उससे बाहर निकलते हो फिर आप संसार के लिए एक गाइड बनते हो और सबसे अधिक ये जड़ तत्व जो रेजिस्ट करता है page 6 a narrow movement of a narrow movement on times deep abysm, life's fragile littleness denied the power, the proud and conscious wideness and the bliss she had brought with her, इन टू द्यूमन फॉर्म द काम डिलाइट दैट वेट्स वंस सोल्ड टू ऑल द की टू द फ्रेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी उसी कंपेरिजन को शेयरविन आगे बढ़ा रहे कि आमतौर पर जीवन की जो गति होती है कैसी होती है ए नैरो मूवमेंट ऑन टाइम्स डी पेबिजम अब आप सोचिए कि कुआं अगर संसार बन जाए किसी का या थोड़ा कुएं को बड़ा कर लीजिए अधिक से अधिक तो संसार कैसा होगा यही तो बात है ना पाताल लोक पाताल क्या है जब एक शुद्र एक बहुत ही संकीर्ण सिर्फ मैं और मेरा में जो लोग अटके हुए हैं वही पाताल है तो नैरो मूवमेंट जो जीवन केवल अपने स्वार्थ के चारों तरफ घूम रहा है वो नैरो मूवमेंट वो नैरो मूवमेंट कहां हो रहा है टाइम्स डीप एज एबिजम काल की सबसे न्यूनतम गति निम्नतम अवस्था उसमें ये हो रहा है साधारण जीवन ऐसा है लाइफ फ्रजाइल लिटिलनेस डिनाइड द पावर और सावित्री कौन है अब इसका वर्णन आ रहा है वो तो परम आनंद विशालता समग्रता इसको लेकर के आ रही है तो उनको कौन स्वीकार करेगा आप देखिए ऐसे बच्चे जब आते हैं घरों में भी आजकल तो उनके कारण ये एक मार्ग खुल गया है तो बहुत कठिन होता है लोगों को समझना क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि केवल जॉब विवाह और माता पिता की देखभाल बस वहीं पर जीवन खत्म हो जाता है पर जब सावित्री आती हैं मार्ग खोलती हैं द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड द प्लेस लाइफ फ्रज़ाइल लिटिलनेस डिनाइड द पावर जीवन टूट जाता है कोई भी अगर कोई महत संकल्प महत प्रयास महत आनंद महत शांति जीवन उसको वाहन नहीं कर पाती इसलिए फ्रेजाइल बहुत देर तक शांत रहने से भी समस्या होती है बहुत खुशी हो बहुत प्रेम हो अगर हृदय के अंदर तो व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता है फ्रेजाइल है वो टूट जाता है प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड अरविंद की जादूगरी है और बहुत जगह पर दिखती है प्राइड एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर हम लोग आध्यात्मिक प्राइड नहीं होना चाहिए अभिमान नहीं होना चाहिए लेकिन यदि अभिमान हो तो एक लेजिटिमेट प्राइड बोल के एक शब्द आता है इंग्लिश में लेजिटिमेट क्या प्राइड होता है मैं इसके नीचे नहीं उतर सकता हूं मैं इतना नहीं गिर सकता हूं ये आर्य सभ्यता थी लेजिटिमेट प्राइड आप देखें उसमें कही मैं ये नहीं कर सकता हूं ये मैं नहीं कर सकता हूं दिस इज बिलो मी तो यहाँ पर द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड द ब्लिस यहां पर प्राइड किस बात का है विशालता का मैं इतना संकीर्ण नहीं हो सकता हूँ मैं इतना सीमित नहीं हो सकता हूं मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता हूं मैं केवल अपने अहंकार के लिए नहीं जी सकता हूँ मैं केवल एम्बिशन की पूर्ति के लिए जीवन नहीं जी सकता हूँ सो इट इज़ प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड ब्लिस जैसे जिसने ब्रह्म कमल को सूंग लिया वो फिर जो साधारण गंदगी उसमें उतरना उस ब्लिस के बाद क्योंकि आपने उसको टेस्ट कर लिया है उसके बाद फिर जीवन में जिसको हम लोग कहते हैं कि आह कितना मज़ा आ रहा है तो उसमें आनंदित नहीं हो सकता ऐसा ऐसा व्यक्तित्व किंतु सावित्री तो यही लेके आई है द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड द ब्लिस इन टू ह्यूमन फॉर्म वो तो ये चीजें लेके आई हैं अपने साथ में द काम डिलाइट दैट वेड्स वन सोल टू ऑल कितनी अद्भुत बात है जीवन में किसी को जोड़ना है अपने साथ तो सिंपलेस्ट तरीका है माँ कहती माँ कहती टू लाव टूगेदर इज द बेस्ट वे टू बी फ्रेंड्स जो अंदर में शांत है आनंदित है वो सबसे जुड़ जाता है सहज रूप से और जिसके अंदर ये शांति और जॉय का अभाव होता है क्योंकि वो तो विपन्न है तो हर किसी से श्रिंग करता है क्योंकि उसको डर लगता है कहीं ये मेरा खो ना जाए क्योंकि थोड़ा सा पात्र है छोटा सा पात्र है उसमें थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम उसको लूज करने से डरता है लेकिन सच में एक दिव्य व्यक्तित्व की जो एक पहचान होती है आप देखिए श्री राम के जीवन में देखिए ऐसे जुड़ जाते हैं सबके साथ ये फॉलन हो बार बार वो याद आती गणिका जामिल व्याद गीत गजाद खलता रे सबको मित्र बना लेते हैं श्री कृष्ण के भी साथ देखते हैं हम सबको मित्र बना लेते हैं क्यों क्योंकि वो आनंदित अंदर में वो पूरे सक्षम हैं, आनंद और शांति से भरे हैं और ऐसे आनंद और शांति से जिसका क्षय नहीं होता तो यहां पर उसका दैट्स वन सोल टू ऑल दी टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी परम आनंद जो तेज से और ताप से भरा हुआ है भगवान के तेज और ताप से वो एक्सटेसी नहीं जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं सुख और वो उस उसकी चाबी वो लेके आई थी कैसे वो चाबी लेके आई थी चूंकि उन्होंने अपने अंदर धारण किया है तो जो भी उनकी ओर मुड़ेगा वो उसको द्वार खोल करके जैसे होता है ना आप राजा से आपकी दोस्ती हो गई तो राजा से दोस्ती हो गई तो आपको किस बात की चिंता है वो तो आपकी जरूरत के पहले जान जाएगा सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता का यही तो रहस्य है सुदामा को कुछ नहीं कहना पड़ता है वो संकोच कर रहा है कृष्ण जी भी लीला करते हैं कुछ कहते नहीं है कि मैंने क्या किया लेकिन पीछे से सब घर वर सब बना दिया है पत ही तो होती है ना पहचान भगवान से मित्रता वो की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी वो अपने आप आपके अंदर आपके लिए वह द्वार खोल देते हैं जहां से आनंद ही आनंद और फ्लेमिंग डोर्स जिसमें अग्नि से तपकर इसमें एक भाव है बड़ा सुंदर वो वाला आनंद नहीं जो फ्लेमिंग डोर के नीचे है वो आनंद जिसमें आप पवित्र होकर शुद्ध होकर के जब उसमें प्रवेश करते हो तो वो बढ़ता ही जाता है तीव्र होता जाता है तीक्ष्ण होता जाता है उसकी कोई सीमा नहीं होती वो आपने साथ लाई थी और वो देने के लिए लाई है वो चाबी लेकिन Earth's grain that needs the sap of pleasure and tears, rejected the undying rapture's boon. Offered to the daughter of infinity, her passion flower of love and doom, she gave. मनुष्यों को तो पता नहीं है कि ऐसा कोई आनंद भी होता है, विश्वास भी नहीं करते हैं। ऐसा कोई ज्ञान होता है जिसको आप रीज़न के बाईपास करके प्राप्त कर सकते हो ऐसा कोई प्रेम भी होता है जिसमें आपको कुछ भी स्वार्थ ना हो मनुष्य की तो ये पहचान है कि अगर कोई आपको प्रेम कर रहा है तो पहले वो सतर्क हो जाते हैं भैया पहले देखो मोटिव क्या होगा और अगर मोटिव नहीं मिलता है तो अपना ही जो उनके अंदर मोटिव चलते हैं वो डाल देते हैं उस व्यक्ति के ऊपर ये मनुष्य की मानव की गति है तो अर्थ्स ग्रेन धरती के जो बीज हैं वो तो सुख दुख से पोषित होते हैं माँ क्या लेके आई हैं आनंद की बाढ़ पूछ रही हैं तो मैं, तो मैं जगह ऐसे सुंदा गीता में शेयरविंद दिखते हैं अंतर क्या होगा सुप्रामेंटल इवोल्यूशन के बाद भी विकास तो चलता रहेगा लेकिन अंतर क्या होगा अभी हम मूव करते हैं बॉन्डेज टू फ्रीडम प्लेजर एंड पेन टू

पृथ्वी पार्थिव चेतना रिजेक्ट करती है द अनडाइंग रैप्चर्स बोन भी देखिए जब श्री राम जी के जीवन में भी हम यही देखते हैं डाउट करें सच में राम जी ने रावण को ऐसे मारा था ये संभव कैसे हो सकता है हालांकि उनके जाने के पहले बातें आ गई हैं ताड़का की और अहिल्या की लेकिन डाउट कि सच में ऐसा हुआ था किसने देखा था कौन कह रहा है ऐसा हुआ था और फिर माता सीता पे डाउट करते हैं अनडाइंग वो जो लेके आई लक्ष्मी का अवतार है आप कल्पना कीजिए व्हाट शी कुड नॉट गिव लेकिन मनुष्य इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ये अवतारों के साथ प्राय होता है प्राय नहीं लगभग हर बार होता है यही चीज हम देखते हैं श्री कृष्ण के साथ हुई श्री राम के साथ हुई और यही चीज श्री अरविंद के साथ हो रही है कितने सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इधर उधर और अगर आपको कह दिया जाए माता जी के प्रति खुल जाओ क्या होगा उससे रूपांतरण रूपांतरण से क्या होगा मानव की चेतना से हट कर आप दिव्य चेतना अरे ये सब बेकार की बातें मत करो कुछ वेदांत के बारे में बताओ बस घूम फिर के वहाँ आ जाएंगे हमारे स्वामी जी ने ये बताया था लेकिन अब ऐसी ये बताएंगे कि अंडाइंग रैप्चर ये आप, आप लोग पांडिचेरी में सब लोटस ईटिंग लैंड है जहाँ लोग इस तरह की कल्पना करते रहते हैं एक अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस है पृथ्वी के अंदर ऑफर टू द डॉटर ऑफ इंफिनिटी हर पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डोम शी गे माँ ये सब लेके आई है की टू तो द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटेसी कॉन्शियस वाइडनेस पावर ब्लिस आनंद हारमोनी यूनिटी ये सब लेके आई है ज्ञान पृथ्वी कहती है मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ क्या दे रही है डोम एंड लव हाँ थोड़ा प्रेम हम देंगे लेकिन प्रेम के साथ साथ डोम ये भी आपको मिलेगा पार्थिव जगत में ये तो गॉड्स लेबर जो शेयर की देखा जाए तो एक संक्षिप्त आत्मकथा है माई वारे थाउजेंड एंड वन कौन दे रहे थे शेयरविंद को व कहा जाए कि नहीं कहा जाए वही लोग जिनको वो अपने रक्त से सींच रहे हैं वही लोग कैसे कैसे प्रश्न हैं कैसे कैसे डाउट्स हैं डाउट ठीक है एक सीकर के डाउट होते हैं लेकिन यहां तक लिख डाला लोगों ने कि हम लोग तो काम करते हैं आज समय में इतने घंटे पर वैसे अगर पूछा जाए तो आप क्या काम करते हैं प्रश्न किया है लोगों ने आप कल्पना करिए मैं यहां साधकों की सेवा करने थोड़ी आया हूँ शेरविंद कहते हैं इस दृष्टि से देखोगे तो, तो मैं भी साधकों की सेवा कर रहा हूं ऐसे से प्रश्न किए लोगों ने माता जी ने इतनी अच्छी साड़ी क्यों पहनी हुई है आज मैंने देखा उन्होंने लिपस्टिक लगाई थी ऐसा क्यों किया था उन्होंने आप सोचिए डॉटर ऑफ इन्फिनिटी डॉटर ऑफ इन्फिनिटी कौन है इन्फिनिटी इज अदिति लिटरली साक्षात अदिति डॉटर यहाँ उस सेंस में उन्हीं की पुत्री उन्हीं का अंश वही एक अंश अवतार के रूप में प्रकट हुई है और मनुष्य में यह देख रहा है डॉटर ऑफ इंफिनिटी को क्या दिया धरती ने पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डोम शी गेव मां उसको स्वीकार करती है वो एक अलग बात है एक कहानी है जब किसी ने माता जी को एक मुरझाया हुआ फूल दिया सोच रही थी कि मैं क्या करूं मेरा फूल तो मुरझा रहा है फिर स्टेयर केस पर वेट करते करते फिर कहा अब मैं क्या करूं वही दे दिया तो माता जी ने कुछ बोली माँ मेरे पास यही है माँ कुछ नहीं बोली स्माइल करती रही हाथ में लेके उस फूल को सहलाती रही पूरा खिल गया माँ ने उसको वापस दिया हम लोग भी ऐसे ही हैं मुरझाए हुए फूल देव के चरणों में अर्पित तो नहीं करना चाहिए पर हम ऐसे माँ स्वीकार करती हैं वापस क्या करती हैं खिलक खिला करके पूरी तरह इन वेन नाउ सीम्ड स्प्लेंडिड सेक्रीफाइस ऐसी लगता है ना कि क्या राम जी का जो त्याग था क्या वो व्यर्थ गया क्या श्री कृष्ण का जो त्याग था क्या वो व्यर्थ गया क्योंकि अंत में उनको अपने ही सबसे शक्तिशाली पुत्र का वध करना पड़ा अपने ही कुल का विनाश द्वारका को अंदर डालना पड़ा तो मनुष्य ये पूछते हैं ना प्रश्न यहाँ वो प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है पहले लेकिन अभी उसको हम नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है इन वे नाउ सीम्ड अब लोग कहते हैं ना लेकिन शेरविंद तो चले गए माता जी भी चली गई तो त्याग का क्या लाभ हुआ देखिए वही लॉजिक त्याग का ही लाभ हुआ इसी कारण मनुष्य की चेतना में संभावना जागी इन वेन नाउ सीम्ड और भाई दी यही कनेक्शन है श्री राम जी की जो माता सीता का त्याग उसके बाद ये सारे लोग ये क्या हो गया मतलब उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी जब तक वो र्यूमर्स चल रही थी ये चल रही तब तक ठीक है जिस दिन दोनों अलग होते हैं सारी अयोध्या के अंदर हलचल मच जाती है कि ये हमने क्या कर डाला in Duane now seemed that splendid sacrifice a prodigal a prodigal of her rich divinity herself and all she was she had lent to man herself and all she was she had lent to men keval dene wala bhagavan tirupati may be कुछ चढ़ावा देते हो लड्डू आपको खरीदना पड़ता है लड्डू का तो चो बात लेकिन माँ के साथ रियली शी ओनली गेव एक इंस्टेंट नहीं है जहां माने कहा मुझे तुमसे ये अपेक्षा है ये चाहिए लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियां हैं कि आश्रम आने से पहले आपको अपनी सारी तनख्वाह पेंशन देनी होती थी ये किसी से ये डिमांड नहीं की जाती थी शेरविंद से किसी ने ये पूछा तो शेरविंद ने कहा कि लोग स्वेच्छा से ये कई बार देते हैं क्यों देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अब माँ पूरा हम हमारा भार अपने ऊपर उठा रही हैं कहते हैं शेरविंद दो प्रकार के लोग हैं एक जो पूरी तरह जिसको आश्रम की उस प्रस्पेरिटी पर आते हैं जहाँ पे पूरा उनका देखभाल रहन सहन सब तो वो स्वाभाविक है कि वो आके उनके पास जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और दूसरे जो अपना सारा कार्य वो धन वगैरह जो भी परिवार इसको देखभाल करते हैं और इसी कारण आश्रम में परिवार के लोगों को नहीं जनरली लिया जाता था इस कारण क्योंकि क्यों उससे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं आप किसी व्यक्ति को लेंगे तो आप ये तो नहीं कह सकते अब आप, आपकी वाइफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए इंडिविजुअली ही आश्रम में लिया जाता था क्योंकि उससे जुड़ी हुई बच्चा भी है बच्चे की स्कूलिंग है आप ये सारी चीज़ें मना नहीं कर सकते हैं हालांकि बाद में कई परिवारों को भी माने लिया एकमोडेट किया बच्चे भी जिनको माने जन्म से आश्रमाइट बनाया ये सारी घटनाएं हैं लेकिन उसके पीछे प्रयोजन ये था और फिर वे लोग थे जो अपना सब कुछ देखभाल करते थे लेकिन वो आश्रमाइट थे उनसे जो रूपांतरण की प्रोसेस है जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक पैसा नहीं लिया जाता था कोई कोर्स नहीं दिया जाता था कि आप हम आपको विशेष कुछ लोग थे जो माता जी से के साथ उनका इंटरव्यू होता था मां कितनी बिजी रहती थी सुबह चार बजे से रात को देर तक कभी कभी एक बजे दो बजे किसी इंटरव्यू के लिए कोई पैसा नहीं लगता था आज ऐसे गुरु हैं से अगर आप मिलके पर्सनली बैठना चाहते हैं तो आपको कितने हजार नहीं लाख देने पड़ेंगे जिनके साथ अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इतने लाख देने पड़ेंगे ऐसे कैसे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। के दर्शन वो दर्शन क्या है रूपांतरण करने वाला अनुभव है कोई मनी का टोकन नहीं था एक, money, एक पैसा नहीं जो भी आपकी ऑफरिंग है स्वेच्छा से और आज तक आश्रम किसी से ये नहीं कहता है कि हमको पैसे चाहिए हाँ स्वेच्छा से आप दे रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है कि आप जुड़ रहे हैं उस यज्ञ से क्योंकि आफ्टर ऑल इजी नहीं है आश्रम चलता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शेयरविन का रूम है मेंटेनेंस है आश्रम हिट हैं जो इस योग साधना के लिए आए हैं सारी रख रखाव है तो वो अपनी मर्जी से लेकिन किसी के ऊपर कोई कंपर्शन नहीं माँ शेरविन ने केवल दिया दिया, दिया हर स्तर पे दिया भौतिक स्तर पे भी दिया यहाँ तक कि जब आश्रम कठिनाई में था तो उस समय माता जी ने अपनी सारी साड़ियाँ जो भी ज्वेलरी लाई थी उन्होंने कहा इसको बेच दो ये और बात है कि नवजात जी उन्होंने वो कहा अच्छा ऐसा कुछ है आप हमें ये दे दीजिए हम पैसे दे देते हैं सारे तिबन भाई उसको नोट करते हैं फिर उन्होंने सब कुछ माँ के सामने ले जाके माँ दिस ऑल योर्स तो इस तरह से माँ ने आश्रम को बड़ा किया ये उनके ही प्रताप इसीलिए लिटरली आश्रम में जो लोग कुछ भी ग्रहण करते हैं चाहे आश्रमाइट हों या बाहर से आ रहे हों आप लिटरली लिटरली कहा जाए तो लिटरली आप माँ का दिया हुआ खाते हो किसी और का नहीं शेरुन कहते ना लेकिन शेरुन तो परफेक्ट जेंटलमैन है वो कैसे लिखते हैं कितने सुंदर द फूड दैट यू ईट इन द डाइनिंग रूम हैज द मदर्स कॉन्शियसनेस इन इट सच बात है प्रसाद का प्रसाद है और केवल दे गेव एंड गेव तो यहाँ पर उसी का वर्णन है डिवाइन बींग की पहचान क्या होती है कि वो केवल देते हैं वो मांगते नहीं हैं लेकिन इस कार्थ है ना कि वो सन्यासी का भेष धारण करके भीषाम दही बोल के सड़क पे चले गए उनके पास आता है जो आना होता है शेरविंद अपनी घोर तपस्या के समय भी उनको पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है अगले दिन क्या होने वाला है उस समय शेरविंद ने निश्चित रूप से रॉयल्टी भी ली बुक्स की और ये भी वो कहते थे यदि कोई देना चाहता है क्योंकि उस समय वो खड़ा कर रहे हैं लेकिन बाद में एक बार आश्रम फॉर्म हुआ उसके बाद ये कुछ भी नहीं दे वे जस्ट गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग और वो भी उस घर के हाउस होल्ड को चलाने के लिए हर सेल्फ एंड ऑल शी शिवाड लेंट टू मैन लेकिन ये जो दिया जा रहा था भगवान क्यों दे रहे थे होपिंग हर ग्रेटर बींग टू इंप्लांट एंड इन देर बॉडीज लाइव एक्लाइमेटाइज दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मॉटल सॉइल क्यों वो दे रहे थे हर तरह से उनका स्पर्श मनुष्य तक पहुँचे तो धीरे धीरे मनुष्य को दिव्यता की सुगंध कैसी होती है दिव्यता की ऊर्जा कैसी होती है दिव्यता का वातावरण कैसे होता है दिव्य शक्ति कैसे कायम करती है दिव्य प्रेम क्या होता है धीरे धीरे ये सब मनुष्य के अंदर इसके माध्यम से जा रहा था और उससे क्या एक आशा कर रहे थे माँ शी अरविंद क्या एक आशा कर रही थी सावित्री होपिंग हर ग्रेटर बींग टू इम्प्लैंट ताकि कुछ कुछ उनका मनुष्य के अंदर जाके रोपित हो जाए फिर वो एक अपने आप में वटवृक्ष बने दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मॉडल सॉइल ये कहानी बहुत बार हम लोग कह चुके हैं जब सूप सेरेमनी होती थी और लोग माँ पहले पी करके फिर पास करती थी और वो जब पीती थी तो वो चखती थी तो वो अपना सूक्ष्म भौतिक शरीर का एक पार्ट डालती थी उसमें क्योंकि वो तो अन्न में है ना अन्न अन्नम ब्रह्मेती वो हो गया तो वो एक्चुअली उसमें अपना कुछ डाल के कहते हैं ना इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ के झूठा नहीं पीना चाहिए क्यों नहीं पीना चाहिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति पीता है तो ये वन वे एक्सचेंज नहीं है यहाँ फिजिकल हाइजीन की बात नहीं हो रही है किंतु कुछ उसका भी इसके अंदर जाता है चेतना का चाहे वो छोटा सा भाग हो जो भी हो और जब दूसरा कोई उससे पीता है तो उस चेतना का भाग जाता है तो माँ की चेतना वो स्वयं अपना एक भाग सबको दे रही थी और वहाँ पे किसी ने कहा बट इट इज अनहाइजीनिक और शेयरविन ने कहा स्टॉप द सोप सेरेमनी ये एक मेथड होता है जो कई योगी इसका उपयोग करते हैं वो झूठा नहीं होता है योगी जब करते हैं तो वो एक तरीका होता है जिससे वो अपनी चेतना का एक भाग पास करते हैं किसी में तो ये है डिवाइन बीइंग जब भगवान या दिव्यता या कोई दिव्य सत्ता जब पृथ्वी पर आती है तो केवल देने के लिए आती है देती किस लिए इसलिए नहीं कि उनका नाम हो या उनको कुछ रिटर्न में मिले किंतु तो इसलिए कि दिव्यता क्या के कुछ बीज या दिव्यता का बीज जिनके अंदर है उनके अंदर दिव्यता के प्रेम की जलधारा वो अंदर में जाए और धीरे धीरे ये बीज अंकुरित हो और वटवृक्ष बने केवल यही एक प्रयोजन होता है ताकि एक कृष्ण आए अनेकों कृष्ण बने एक माषी अरविंद आए किंतु तो अनेकों 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 अने उनके छोटे 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 अंश रश्मियाँ उनकी किरणें सारे संसार में फैलें एक बार हम लोग इसको पढ़ लेंगे ए नैरो मूवमेंट ऑन टाइम्स डीप एबिज्म लाइफ फ्रजाइल लिटिलनेस डिनाइड द प्राउड एंड कॉन्शियस वाइडनेस एंड द ब्लिस शी हैड ब्रॉट विद हर इन टू द ह्यूमन फॉर्म द काम डिलाइट दैट वेड्स वन सोल टू ऑल The key to the flaming doors of ecstasy. Earth's grain that needs the sap of pleasure and tears rejected the undying rapture's boon offered to the daughter of infinity, her passion flower of love and doom she gave. hain वो नहीं चाहिए हमें तो मानव जीवन ही जैसा है वैसा चलना है मानव का जो खेल है पैशन है प्लेजर है पेन है वो ड्रामा देखना है तो आप हमें दो लेकिन इसी परिधि के अंदर दो इन वे इन नाउ सीम द स्पलेंडेड सेक्रीफाइस भगवान का त्याग ए प्रोडिकल ऑफ अ रिच डिविनिटी टिकल जिसके अंदर भंडेस है समृद्ध है हर चीज में जिसके डिविनिटी भरी हुई है जिसकी मधुरम मधुरम मधुराष्टम है वही इसी सेंस में है कि जिनकी वाणी भी दिव्य है जिनकी दृष्टि भी दिव्य है जिनकी जो सुनते हैं तो वो अपने आप भगवान तक पहुंच जाती बात जिनकी हृदय के भाव दिव्य हैं जिनकी विचार दिव्य हैं जिनकी लेखनी दिव्य है जिनके चलना भी दिव्य है जिनका बैठना भी दिव्य है जिनका शयन भी दिव्य है जिनका हर श्वास दिव्य है तो प्रोडिकल ऑफ अ रिच डिविनिटी हर सेल्फ एंड ऑल शी वॉज शी एड लेंट टू मेन, होपिंग हर ग्रेटर बींग टू इम्प्लांट एंड इन देयर बॉडीज लाइफ ए क्लाइमेटाइज क्योंकि आप भौतिक रूपांतरण की बात हो रही है भौतिक शरीर and in their bodies lives ए that heaven might native grow on mortal soil यही चीज़ है जो लोगों को बार बार आश्रम खींच के लाती है वो जो वातावरण में उनकी सुगंध बसी है उनकी ऊर्जा बसी है उनकी सास रमी हुई है उनकी तपो तपोबल जो यहाँ पर विकीन होता है तो कुछ देर रहने से वो एक ऐसा पता चलता है कि क्या होता है होती है वो जगह जहाँ पर एक तपस्वी ने महा तपस्या की हो क्या होती है वो जगह जहाँ भगवान ने अपनी लीला की हो और फिर लोग वापस जाते हैं जितना रिसीव कर सकें रिचार्ज करके यहाँ हम लोग रुकेंगे जय माँ